एंड यू आर वॉचिंग इंजीनियर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। गाइस, जैसा कि आपने देखा कि हम लोग इस वीडियो में एक प्रोजेक्ट डेवलप करने वाले हैं, जो है वायरलेस नोटिस बोर्ड। यहाँ पर हम लोग हमारे आर्डिनो ऑटोमेशन ऐप को यूज करके डेटा को सेंड करने वाले हैं और वो डेटा हमारे LCD पे स्क्रॉल होते हुए दिखेगा। तो इसके लिए प्रोग्रामिंग क्या होगी, इसके कनेक्शंस कैसे होंगे, इसके लिए क्या क्या कंपोनेंट्स रिक्वायर होंगे, ये सब कुछ हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, सबसे पहले देख लेते हैं कि ये प्रोजेक्ट डेवलप करने के लिए हमें क्या क्या कॉम्पोनेंट्स रिक्वायर होंगे। तो जो सबसे पहला कॉम्पोनेंट है वो है आर्डिनो उनो, फिर ब्लूटूथ मॉड्यूल HC05, देन 16:2 LCD डिस्प्ले। गाइस, मैंने ब्लूटूथ मॉड्यूल और 16:2 LCD डिस्प्ले के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाया है मेरे आर्डिनो सीरीज में, आप उन्हें चेकआउट कर सकते हैं अगर आपको LCD मॉड्यूल और ब्लूटूथ मॉड्यूल के बारे में और जानना है तो। देन 1 kΩ रजिस्टर, जिससे हम लोग LCD का कॉन्ट्रास्ट सेट करेंगे। देन एक हाफ ब्रेडबोर्ड एंड एट लास्ट सम जम्पर वायर्स फॉर कनेक्शंस। तो गाइज, ये सारे कॉम्पोनेंट्स रिक्वायर होंगे ये प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए। अब देखते हैं कि इसका ओवरऑल सर्किट कनेक्शन कैसा होगा। तो ये रहा इसका सर्किट डायग्राम। गाइज, ये सर्किट की एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे देता हूँ। यहाँ पर जो LCD डिस्प्ले है, LCD डिस्प्ले के 6 पिन्स हमारे आर्डिनो को जाते हैं। तो यहाँ पर जो LCD डिस्प्ले के 6 पिन्स आर्डिनो के डिजिटल पिन 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 पे कनेक्टेड है। देन जो ब्लूटूथ मॉड्यूल है उसका TX पिन जा रहा है आर्डिनो के डिजिटल पिन 2 को, और ब्लूटूथ मॉड्यूल का RX पिन जा रहा है डिजिटल पिन 3 को। तो ऐसा कुछ इसका कनेक्शन होगा। सो गाइस, फटाफट से ये सर्किट कनेक्शन करते हैं और फिर जाते हैं इसके प्रोग्रामिंग। गाइज, इस प्रोग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं इस प्रोग्राम की आपको छोटी सी एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। तो यहाँ पर वॉइड लूप में आते हैं, जो हमारा मेन प्रोग्राम होता है। गाइज, यहाँ पर सबसे पहले तो मैं रीड कर रहा हूँ, जो भी डेटा मेरा आ रहा है आर्डिनो ऑटोमेशन ऐप से उसे मैं रीड कर रहा हूँ और वैल इस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहा हूँ। उसके बाद है वैल डॉट ट्रिम क्या करेगा, उस वैल के अंदर जो भी गार्बेज वैल्यू रहेगा उसे रिमूव कर देगा।
और हमारा जो प्योर वैल है, प्योर स्ट्रिंग है, वो सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट होगा और वही डेटा एलसीडी पे प्रिंट होगा। आफ्टर दैट एक कंडीशन है जिसमें मैं देख रहा हूँ कि जो भी मेरा वैल रिसीव हुआ है, जो भी मेरा नया वैल्यू आया है, वो मेरे पिछले वैल्यू से मैच होता है कि नहीं। अगर मैच नहीं होता है तो ही मैं उसे एलसीडी पे प्रिंट करूँगा, और अगर मैच होता है तो जो वैल्यू ऑलरेडी प्रिंटेड है वही प्रिंट होगी। सो आफ्टर दैट सिंपल मैंने एक वेरिएबल लिया है आई, जिसपे मैं कर्सर के पोजीशन को इंक्रीमेंट करते जाऊंगा। तो उसके लिए मैंने लिखा है दैट सेट कर्सर आई कॉमा जीरो, देन यहाँ पे जो भी नया वैल रिसीव हुआ है वो प्रिंट होगा, देन आई प्लस प्लस। तो जो भी सेट कर्सर है यानी कि जो भी प्रिंट होने का फर्स्ट पोजीशन है, तो वो जीरो से इंक्रीमेंट होते जाएगा, 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे करते करते वो 15 तक इंक्रीमेंट होगा, और 15 पे जाने के बाद वो वापस से जीरो हो जाएगा। तो यानी कि वापस से हमारा जो सेट कर्सर है वो जीरो पोजीशन पे आ जाएगा और वापस स्टार्टिंग से वो स्क्रोल होना चालू होगा। तो इसके वजह से वो स्क्रोलिंग इफेक्ट आएगा। देन एट लास्ट वापस से जो भी मेरा वैल था उसको मैं ओल्ड वैल के अंदर स्टोर कर दूंगा, और वापस से इस ओल्ड वैल को मैं यूज़ करूंगा मेरे नए वैल के कंपैरिजन के लिए। तो ऐसा इसका प्रोग्राम है, बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है गाइस। अब इस प्रोग्राम को अपलोड करते हैं और फिर देखते हैं इसका आउटपुट। तो उसके लिए सबसे पहले टूल्स में बोर्ड सिलेक्टेड है, पोर्ट सिलेक्टेड है, नाउ वी कैन अपलोड द कोड। सो गाइस अब हमारा प्रोग्राम अपलोड हो चुका है, नाउ लेट्स सी द आउटपुट। सो गाइस आप यहां पर हमारे आर्डिनो ऑटोमेशन ऐप के टर्मिनल टैब और वॉइस कंट्रोल टैब को यूज करके डेटा को सेंड कर सकते हैं। अभी देखा कि कितना इजी है हमारे आर्डिनो ऑटोमेशन ऐप को यूज करके एक वायरलेस नोटिस बोर्ड प्रोजेक्ट डेवलप करना। गाइस अगर आपने और भी कोई प्रोजेक्ट डेवलप किया है आर्डिनो ऑटोमेशन ऐप को यूज करके, तो आप उसके वीडियो को हमारे इस ईमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं। मैं आपके प्रोजेक्ट की वीडियो को इस यूट्यूब चैनल पे या फिर मेरे सोशल मीडिया अकाउंट पे जरूर डिस्प्ले करूंगा। गाइस अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज हिट द लाइक बटन, ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल इंजीनियर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।